शिव टाइम के सारे दर्शकें मेरा राम राम, मैं डिंपल वर्मा। देश दे विच अग्नि पथकी लेइए कुछ विरोध हो जाता, विरोध भी कौन करी जाता, ना कि यूथ बल्कि यूथ की भड़काने वाली कुछ भरा पार्टियां। यह कहना है कुत्थों का, कुछ लोगों का। इसे चीज़ उपर मैं दसा कि साढ़े देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने साढ़े यूथ आस्तै एक अग्नि पथ की जी आर्मी आस्तै जी घोषणा की है, उस उपर की लेइए काफ़ी यूथ है बिच भी रोश है। उसी चीज़ की लेइए कुछ अपोजिशन पार्टियां विरोध भी करी जा दी। वोट बैंक की राजनीति आस्तै असें हर एक पोलिटिकल लीडर अलग भी जाने की कोशिश की, लेकिन एक डोगरी बिच कहावत भी है नहीं कि लड़दियां फौजां ते ना सरदारें दे। आर्मी दे जेके सीनियर ऑफिसर न उंदे तकर भी असें पुजने की कोशिश की, लेकिन असें उंदे तकर पुजने हा पहले यह सोचा कि क्यों ना जेड़ा आर्मी का जवान है, जिस जवान ने अपने पूरे देश की सेवा की, सेवा करिए गोलियां भी खादियां अपने उपर और कुसे भी कम्युनिटी की दे खिलाफ नहीं चले, बल्कि उन्हें साथ लेइए चले जिन्हें देश की सेवा की। मेरे कन्ने इस वेले सीनियर चाचू इस वेले मौजूद न, 60-70 साल की 70-80 साल की इस वेले उम्र है, आर्मी बिचा रिटायर होन ओदे न, और अग्नि पथी लेइए इंदा केह कहना केह कहना नहीं है, आओ मैं इंदे कन्ने गल करिए दसनी है। चाचू शुक्रिया चाचू थोड़ा। जय हिंद, भारत मां की जय सरने जी तरफ से। और मैं पहले तो अपने प्रधानमंत्री को सलूट करता हूँ भी आपने ये योजना लियाई है। अब मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ साहब से थोड़ा इसको देखा जाए। देखा क्यों जाए, आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं भाई ये लीडर लोगों ने भाई अग्नि ये गलत किया, गलत नहीं किया सर। रोज़गार नहीं है बच्चों को, कुछ भी बच्चों के बीच में नशा हो गया सर बेरोज़गारी के पीछे, इसने तो रोज़गार किया। फिर तो मेरी सेना के लिए यंग बच्चा मिलेगा, हम किसी मुल्क के हाथ नहीं खा सकते, क्योंकि यंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऐसा प्लान रखें इसके बीच में, मैं तो नहीं बोलता हूँ सर, मैं ना लीडर हूँ ना कोई पॉलिटिक्स हूँ। नहीं, असें लीडर की गल करनी, असें सिर्फ उसकी गल करनी जिहड़ा बंदा आर्मी की सर्विस करी आवा घर बैठे तुस, और बच्चों का फ्यूचर बच्चों का भविष्य जो आर्मी च है, क्या ये चार साल की जी अग्नि पथ है इस उपर की बोलना इस बाकी तुस? मैं पाना सर मैं कतरी लड़ाई लड़ी है, मैं उस यंग बच्चा हाँ, मैं दौड़ी जाता हाँ, मैं उस वेले दौड़ी एजेंडा हाँ। जिसल मेरी 10 साल के उपर नौकरी हुई सर्विस तो मैं इतना दौड़ी नहीं हा सकता। मेरे आर्मी के जोड़े अफसर हैं सीनियर अफसर, उनका मैं धन्यवाद है। मैं ठीक है अग्नि आपने ये सर्विस रखी है, ठीक है बड़ी अच्छी रखी है। अब इसका ऐसा भी मत करो सर, एक तो जाके जिसने आर्मी में बंदा जाता है अपनी रेजिमेंट के लिए मरता है, अपनी रेजिमेंट के लिए वीर चक्र लेता है, परमवीर चक्र देता है, महावीर चक्र देता है, ये आपने पूरी रेजिमेंट को काट दिया तो देश के बीच में लड़ेगा कोई नहीं। वो बोलेगा यार सारे मारे दी किसे मरो, बस देश की अग्निपथ बनाई है नहीं अग्निपथ बनाई सर मैं मानता हूँ इसके बीच में। वो साहब ने बोल रहे हैं मेरे को भाई मैंने सुना है, मैं तो इतना जानता हूँ, आँखें से भी कम दिखाई देता है सर। इधर लोग ही बोलते हैं भाई सब रेजिमेंट खत्म कर दिए, रेजिमेंट ने मत खड़े मारो। फिर इसके बीच में हमारा जो एक कमांडिंग होता है सर, फुल पहले कर्नल होता था, अब फुल कर्नल हो गया है, वो हमारा माँ का चेहरा होता है। जैसे माँ बच्चे के बाद जाती है, हम उसी के बाहर उठते हैं। अग्नि आपने प्रोग्राम रखा है तो अफसर की भी इसके बीच में क्या है, जवान के बीच में कोई महसूस ना हो, अफसर की भी आज सर्विस कम किया जाए। अफसर की आपने सर्विस उठनी रखी है, डी जी उसका लागू कर दिया, फिर जवान क्या लगेगा सर? 1200 आर्मी के बीच 12 अफसर होते हैं टोटल एक बटालियन के बीच में, जिसके 1200 एटो डैम्बर रहते हैं, उनसे सबसे सीनियर कौन होता है? कर्नल होता है। 1200 नफरी के बीच में जवान ही करता है, हमको पता है मैं लड़ा हूँ सर, मेरी जान को पता है, आज भी मैं चल नहीं सकता हूँ। जब डिगता था बर्फ़ों के बीच में और पड़ता था तो मेरे पास कौन होता था? मेरी एक सेक्शन होती थी, मेरा एक नायक होता था मेरे साथ, अफसर बहुत दूर रहता है। जवान के लिए सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो बोलते हैं ऐसे जवान के देखो, बच्चे गरीब के लिए देखो, गरीब क्या करेगा सर, बेरोजगार हो गई है सर। मैं आपको सर बेरोजगारी खत्म करने अग्निपथ चलाई है 4 साल है, इस अगर बेरोजगारी खत्म करने से चलाई है ना, इस उपर देश दे बिच कड़ा विरोध हो जाता, इस कीमत अच्छी नहीं है। नहीं 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 गलत है, तो गड्डियां फूक गई, ट्रेना फूक गई, सर नुकसान किसका हो रहा? मेरी मांग का नुकसान हो रहा, मेरे भारत मां का। उन मोदी जी ने बड़ी अच्छी स्कीम रखी है, मेरे सैनिक जहां भी हैं सर उनको इस चीज पर उनको सिखाना चाहिए भाई भारत का नुकसान मत करो। आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए बैठने के लिए हमारी आज़ादी है हिंदुस्तान के बीच में, कोई नहीं है। अब इसको प्राप्ति को मत फूको सर,
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ बांध के बोलता हूँ मेरे नौजवान बच्चों को भी, ये जो आप प्रॉपर्टी को फूक रहे हैं ये अच्छा नहीं लगता। हमारे मुल्क जो है बाहर मुल्क बोलेंगे हाई हिंदुस्तान में आग लगी है यार, रेलें फूको रही हैं, जहाज फूको रहे हैं, सड़कें टूटे, तो हमारा डाउन नहीं होगा सर, मेरी माँ का डाउन नहीं होगा, मैं इस माँ के लिए लड़ता हूँ सर। बाकी आगे नहीं ठीक रखा है उसने रखा है, सर इसके बीच में गारंटी दे दो बच्चों को भी आप सी आर पी में देंगे, सी एफ एफ में देंगे, बी एस एफ में जगह देंगे या उसमें देंगे, फिर वो बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि इसको शादी भी नहीं होगी सर, जब वो 25 साल में आएगा ना तो फिर शादी भी करनी है, मकान भी बनाना है, तो फिर जले उन्हें मकान पर पैसा लगा दिया सारा तो उसको लड़की नहीं होगी सर। शादी मेरी गल सुनो चाची, शादी करनी, ब्याह करना, अगर ये चीज़ दिख रही है तो फिर अग्निपथी क्यों, वो अग्नि अगर 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 शादी करनी है ब्याह करना तो फिर अग्निपथी बच्चे क्यों जाना, देश की सेवा करनी है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो एक दिन की हो चाहे वो 10 दिन की हो चाहे एक महीने की हो, इस ऊपर के पागे और 4 साल मोदी जी ने बड़ी अच्छी स्कीम रखी, 4 साल अग्निपथ की जरिए करने जिन्हें यूथ ने देश की सेवा करनी उन्हें एक मौका मिला था, बिल्कुल वो सेवा करो। अब वो वास्ते गवर्नमेंट भी देखना, वो एक गल है ना मैं तुम्हें गल सुना, वो वैसे गवर्नमेंट ने उन्ने वैसे पोस्टा रखी 50% तो आर्मी पक्के हो जाने, वोड़ा 75% रहे तो वैसे बाकी महकमे तो खोले ना होने सर, सी आर पी है, बी एस एफ है, सी एफ एफ है, पुलिस है और बैंक न, मतलब गार्ड शार्ड उन्हें रखे ने, तो एडजस्ट हो जाएंगे 75% तो, आप पहले जाओ तो सही, देखो तो सही उसको, नहीं जिसने पसंद आएगी मर जाओ, अब अपने देश के लिए पहले जाओ। अस बड़ी सारी चीज़ें दिख रहे कि अस कुछ है देश या कुछ भी आर्मी हुआ है चाहे कुछ भी देश की है, अस उन्हें विरोध बिच नहीं है, लेकिन अस यूथ ये सोचता कि असें देश की सेवा करनी है, देश आस्ते असें शहीद होना, तो फिर अग्निपथ 4 साल की उस पर एड्डा बड़ा कड़ा विरोध हो जाता, देश के बिच पूरे हाहाकार मची दा, सनसनी फैलदी, गड्डिया फुकुड़ियाँ, ट्रेना फुकुड़ियाँ, और वो देश की सेवा है, अगर देश की सेवा करने का एक महीना भी मिली, अगर देश की सेवा करने से अगर एक महीना मिली, अगर देश वास्ते शहीद होने से अगर एक दिन भी मिली तो कम से कम देश के यूथ ने इस चीज़ पर सोचना या फिर पैसा कमाना, इस नहीं, पैसा नहीं कमाना नहीं, पैसा नहीं, यूथ ने, मैं यूथ की करा देना, तू मैट्रिक पास है यार, मैट्रिक क्या है तेरा, वो यार तू जा रहा है ना, तेरे को 24-25 लाख रुपया मिल भी रहा है सैलरी मिल भी रही, तू पैसे के लिए जाएगा कल तो सारा चाइना को जाएगा तेरे हिंदुस्तान में आगे, नहीं हमने देश के लिए जाना है, छोड़ो मोदी के घर पर, हम देश के लिए मरेंगे, देश के लिए, मेरे को कसम करके बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ वर्मा साहब, आप मीडिया वाले गरीब में पास पहुँचते नहीं, आप जनरलों के पास जाते हैं, मिनिस्टर के पास जाते हैं, हमारे गरीबों के पास नहीं जाते, मैं देश के लिए, आप भी एक टांग है मेरी यही हुई सर, मैं कसम करके बोलता हूँ, मेरे इस माँ की कसम है, मैं आज भी लड़ने के लिए तैयार हूँ अपने देश के लिए, देश के लिए जाना है बेटे, आप जाएँ पहले इसको अटेंड करें, और मेरी बच्ची जा रही है, मैं खुद जब फॉर्म लगेगा ना, मैं बच्ची को बोल रहा हूँ आपने ग्रेजुएशन किया कुछ भी किया अपनी देश के लिए जाओ, रेफर खाना और मरना, मतलब ये जगह देश फुकोई याद अपोजिशन पार्टी वाले फुकी याद है, सर इन्हें कुर्सी लेनी है सर, कुर्सी वास्ते चक्कर है, कोई नहीं कुछ जवान की जंदा, दसो कोई मिनिस्टर तक बच्चा गया, कोई फौज कैप्टन गया, कोई कर्नल गया, ये सब दुगे कोई अफसर ने बच्चे जा रहे, मेरे मिनिस्टर कोई दस कितने फौज भर्ती कराए मुझे, कोई नहीं है, सब गरीब का बच्चा जा रहा, और गरीब की मेरी सिक्ख्या है भी अपनी माँ कहने प्यार है, जो कुछ करने करते हो कुर्सी वाले करने, अब देश के लिए जाओ, देश के लिए, मेरे देश को आँच नहीं आनी चाहिए वर्मा साहब, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बच्चों के साथ, मेरी बुढ़े की सुनो, मैं आगे भी घर में भी आगे उग्रवादी के साथ भी जंग दिया और मैं पुलिस में गया था और मैं मेरे पास साड़ी पर पड़ा, अब देखना उसको, मैं साड़ी पर दिया था तो मैं आगे उग्रवादियों की क्यों लड़ता था, मेरे देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं, सबसे पहले देश है सर, जाओ पैसा है नहीं, देश मेरा पहला है, इसी पर पैसा ही मिल जाएगा मेरे को, वो यार नहीं आएगा तू घर में, बहुत मजदूरी है सारी, मिल जाएगी तेरे को कुछ नहीं, पहले तो अपने देश को अटेंड कर, मेरी रिक्वेस्ट है कोई मकान ना फूकें किसी के, ना रेल फूकें, ना कोई नुकसान करें, मेरे देश का जो है ना बाली कंट्री के बीच में डाउन होता है, मगर अपने देश की बदनाम करने से कुछ ऐसे बंदे गड्डियाँ फूकी है, ट्रेना फूकी है, ये पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है, मैं तुम्हें गल सुना, बच्चा कोई नहीं फूकता, गरीब का बच्चा जाता यार, मेरे इतने कढ़ता की नहीं गया, मैं इन्हें बच्चे गाया कोई नहीं लगा गया, कोई नहीं गया, तो मेरे बच्चे नहीं कढ़ते, जो साढ़े जैन के बच्चे नहीं, क्यों नहीं फूकया, कोई साढ़े लीडर ऐसे अच्छे न, उन्हें क्या भाई देश के उपर कोई चाज नहीं करनी, आइए तुम हड़ताल तो नहीं करो, अस नहीं कुछ पॉलिटिक्स है, मतलब आज़ादी है असें हक मंगना, अब ये नहीं है भाई मैं थोड़ी गड्डी जा नहीं फूक करना, तुम अगे ही गरीब हो सर, थोड़ा 10 लाख का मैं नुकसान कर दिया, कुछ दूचे लोग कौन देगा आपको, कुछ नहीं देगा, मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, आपके पास भी
तो मेरी जो परिवार आप ही बनाने वाले हैं, बाकी जो हमारे पास गरीबों के पास कौन आता है, सिपाही की दौड़ होती है पलटन के बीच में, ये करना पड़ता कॉमनी कमांड करना, बाकी हमको जनरल गुला कौन जाने का, जनरल तो हम टीवी में देखे, मेरे को सही पता रहा मैं ड्राइवरी की है जनरलों के साथ, मैंने रैंक देखा, मेरे सिपाही ने रैंक भी नहीं देखा है जनरल का के रैंक। तुझे किन्ने चिर नौकरी की तुझे? मैं 18 साल करी है। 18 साल? 18 साल। जनता सुना दी है तुझे, नाम की है थोड़ा भला? मोहम्मद शफी। घर केड़ी जगह थोड़े? ये घर सामने मैं 13 जाकरा जी मैं नौकरी की है। मैं जिन सीओ की ड्यूटी की है वो 4 CO है, 4 CO जनरल रिटायर हुए, उन्हें मैं रैंक देखा था, बाकी मैं रैंक नहीं देखा सर, वो भी मैं ड्राइवर रहा सर, बाकी ये नहीं रहा सिपाही नहीं दिया, सिपाही था मैं ड्राइवर बनया, फिर मैं रैंक देखा। किसी कुछ किस ऐसे पॉलिटिकल लीडर भी हैं जो अज भी, या कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग भी हैं जो अज भी हिंदू मुसलमान करते इन उपर की नजर बाकी तो? सर मैं पहले ने अपने अफसर भी सूट मारना, जो आर्मी के मेरे अफसर ये सिखाते नहीं, उन्हें एक बयान पढ़ा भारत मां के लिए लड़ना, जब हम जानते नहीं मैं मुसलमान गया सर, तो कसम करियै बोलना तुम यकीन करके मिकी पता नहीं है, असि यह सोचते हैं एक मां भारत मां की बेटी है, क्यों एक मां की बेटी हाँ, कुछ लगती ही चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसी चुक कट्ठे रोटी खाते हैं, इतने आइए पॉलिटिक्स ने सर हिंदू मुसलमान बनाया, कोई मिनिस्टर काम करता कोई प्रधानमंत्री काम करता, वो मेरा प्रधानमंत्री नहीं मेरा भगवान है, उसकी मत गाली नहीं को जो कोई भी बने, बीजेपी का बने कांग्रेस का बने, मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बने वो मेरी भगवान है, उसको गाली मत देना, मैं सब हर मिनिस्टर को बोलता हूँ हर पार्टी वाले को वे प्रधानमंत्री को गाली मत दो, अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती करना चाहते हैं कुछ फॉरेन कंट्री वाले मौजूद लेंदे। अच्छा इतने हिंदू मुसलमान का मसला चुका, मेरे लीडर मुसलमान लीडर क्यों यार, हमारा हिंदुस्तान है हम इसमें लड़ेंगे उनके साथ, वे हमारे को मार दिया मेरे भारत के मां के नहीं मारा ना किसी ने बाहर के, अरे तुम बाहर में क्या बताएगा उसका मुसलमान का क्या करेगा, कौन है बाहर ना मुल्क आ गए मेरे इंडिया के बीच में हाथ देने वाला साले की, मैं उसको टांग नहीं काटूंगा, मैं कल्ला भी बहुत मुश्किल है, नहीं मैं लड़ूंगा तो अपने मिनिस्टर के साथ लड़ूंगा अपने जनरल के साथ लड़ूंगा, भाई हमारा हक दो, बाहर क्यों बोलते हैं सर, कोई याद बात नहीं है सर, की गाली है भाई, उन्हें बोला भी ये स्कीम होनी चाहिए यार, तू जाइए शराब पीना नगरोटे बेचना शराब पीए जम्मू बेचना शराब पीए, क्योंकि रोजगार होगा क्योंकि पूछने वाला भी है कोई भाई शराब मत क्यों पी, आपने नशा करके सर मैं पंजाब लिखी है बहुत दुनिया नशा कर रही क्यों बेरोजगारी कर, उन्हें थोड़ा रोजगार होगा नहीं कदम नहीं नशा करता सर, बंदा वही दुखी हो जाए करता, मेरे बच्चा है मास्टर डिग्री कन्या 10 लाख रुपया भी थोड़ी जाना, कन्या सैलरी भी थोड़ी जानी 12 लाख जिसमें रिटायर हो जाना फिर भी उन्होंने झोलिया बेच जरूर होना, अपना बिजनेस खोली सकता हो सब करी सकता और कन्या देश की सेवा भी करी सकता, फिर गवर्नमेंट उसी लोन भी दी है, गवर्नमेंट लोन भी दी है, बड़ा हूँ क्या चाहिए ना इस अगर कुछ शरारती तो पूरा देश का देश फुकी मारन, कदम दिल्ली दिखा ने अस कदम बंबई दिखा ने कदम जम्मू दिखा ने, अस यूथ रोड उपर बैठे दा कि महाराज अग्निपथ तो पैसे कमाने वास्ते तुस देश आए हो, अपनी देश की सेवा नहीं करनी है तुसें, अज जंग बच्चा जागा लड़ाई बच्चे जागा जिसी 1 किलोमीटर चलना उन्हें 10 किलोमीटर चलना जंग आर्मी, मैं चली जाऊँगा 10 किलोमीटर सर, बेशक आर्मी ने रिटायर हाँ मैं उही बोलना भी जाओ तुस आर्मी च अपनी देश बाहरले मुख बाई जी हमारी चैनल के साथ लड़ाई हो गई तो हमारी बुढ़े आर्मी जी जिनी 15 18 साल आर्मी की नौकरी है नहीं चली सकती, मैं अपना दिना मैं आर्मी च रही आ रहा और जनरल साहब आऊगा तो जनरल साहब ने जाना कि हेलीकॉप्टर या गाड़ी, वो जवान ग्राउंड में चलता है रोड में चलता है जंगलों में जाना है समुद्र क्रॉस करना है पहाड़ी क्रॉस करनी है तो जवान जंग ही जाइए, ये मेरे पर पाए हिंदुस्तान का पूरा बच्चा बच्चा नाराज हो, हमको भारत मां के लिए यंग बच्चा चाहिए, यंग जो यंग जी तुम इंडिया से चाइना की गल की लड़ाई लग अगर सपोज अगर फर्ज किया कि अगर आर्मी अगर घटी आ तो पब्लिक भी जाई सकती है ना उनके कन्ने लड़ने वास्ते, इसी के देना सर हमें जाई सकते ना देश दे, क्योंकि सवाल देश का है, देखो हम बाहर लड़ाई लगी है ना उनकी पब्लिक जी रैफल चुकी है जा रही है वो क्यों वो सिखे न, अगर मोदी जी अगर इस पल अगर स्कीम एक अग्निपथ चला दे ट्रेनिंग भी है ना बेहतर है नहीं उसे बेहतर है, देखो उसी कि 25-26 हज़ार रुपये नी सैलरी भी है उसी ज्यादा 10 हज़ार रुपया महीना खा कटू 11 हज़ार रुपये बगदा बचरना नहीं तो वो नहीं उससे चाहना पेंशन चाहना क्योंकि पेंशन का 12 लाख रुपया और डी एडा एक साइड डी एडा तेरी पे भी बचा जा नहीं कुछ ऐसे जवान भी बोलते हैं कुछ लीडर भी बोलते 25 साल हा बाद जब जेका अग्निपथ बिच रिटायर हो जाओ के करग उसी कुछ रिश्ता भी नहीं देना जा उसी कुछ कम सोर्स भी नहीं होना जो इे कोई बड़ी टिप्पणियां चलदियां मैं तुम्हें गल सुना
वर्मा साहब तुस मेरे एक बड़े गै अच्छे मीडिया आह्ले हो और बड़े लायक बच्चे हो सर। इन्हें सारे जिन्हें 75% आर्मी ने जियां अपनी स्टेट करा दी ना सैट होई गया मैं तुम्हें लिखी ना ना सैट हो साढ़े रिटायरमेंट जो आर्मी का आए वह बैंक सैट होई गया आया 45-46,000 50,000 रुपया तो पेंशन लिया बैंक का भी असं सैलरी हुई 30,000 रुपया तो पेंशन भी थोड़ी सैट हो जा रिटायर वाला भी सैट होगा ये तो यंग बच्चे सैट की नहीं होने और गौरमेंट ने लैने पौने पक्के की लैने में BRC CRP होई BSF होई CFF होई कन्ने बच्चे ट्रेन हो जाने CRP जरा बार्डर गया लड़ाई लगी कि CRP जी भगवान ने उसने नहीं जाना अपने देश वास्ते या BSF ने नहीं देश वास्ते BSF लड़ाई करती है CRP लड़ाई करती है इन्हें फोर्सें जाना कल 22 मेरा प्रिंसिज बनता है कई मैं प्रिंसिज दिखे कसम मैं साल उनकी ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग होती है मनुखा नहीं चलाना होंगे जो बंदा बनाने वाला सीखी जाऊंगा तो कल लड़ाई लगी फौज घटी तो प्रिंस मेरी लड़ाई भी देश पहला है मेरी इतनी रिक्वेस्ट है सारे को बच्चे जो यंग भी हैं भी आप इसको भर्ती को अटेंड करें मेरे बच्चे जब भी भर्ती खुलेगी अटेंड करेगा शायद मेरा बच्चा जो मास्टर डिग्री करके आ रहा है वो भी बोल रहा है मैं आर्मी में पहले सीखूंगा और जाऊंगा। चाचा शुक्रिया जय हिंद। देश की सेवा करने देश की सेवा करने सारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जी ने बड़ी अच्छी स्कीम रखी अग्निपथ की लेइए कुछ विरोध करने वाली पार्टियों की इन्हें चाचू का संदेश हा कि देश की सेवा करने जरूरी नहीं है कि 30 साल नौकरी करनी या 25 साल अगर देश की सेवा करने अगर एक दिन का मौका भी मिली जाना तो बेहतर होता ही क्योंकि देश का नाम शहीद होने देश की सेवा करने लेकिन फिर भी कुछ शरारती तत्व पूरा देश के बच्चे जी सनसनी फैलाए जाते हैं और पूरा देश का देश जो फुकिए टकता चाहे दिल्ली दिखने चाहे बॉम्बे दिखने चाहे जम्मू दिखने चाहे पंजाब दिखने अग्निपथ की लेइए लेकिन यूथ का केह कहना हाँ यूथ की जबानी और हिंदुस्तान का जो सफाई जो रिटायरमेंट हो जाता उनकी मूँह जबानी तुम सुनी जनता का रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे दें तो बहुत शुक्रिया।